ओमिक्रॉन वेरिएंट की करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर खासतौर पर अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि भारत के अंदर आज ओमिक्रॉन का तीसरा मरीज मिला है और भारत में ओमिक्रॉन के केस बढ़ सकते हैं, ये एक्सपर्ट कह रहे हैं, डॉक्टर की तरफ से ये कहा जा रहा है। और जम्मू कश्मीर में ओमिक्रॉन को लेकर खासतौर पर अलर्ट है, ये जानकारी उस वक्त की मिल रही है, जानकारी आपको दे रहे हैं। फिलहाल डीसी क्या कह रहे हैं श्रीनगर के, फटाफट से वो सुना दीजिएगा, उनकी बाइट चला देते हैं, उसके बाद अपने संवाददाता के पास जुड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है, इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया WHO ने, उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ श्रीनगर एयरपोर्ट पर जितने भी इंटरनेशनल ट्रेवलर्स हैं उनका RT-PCR टेस्ट मैंडेटरी कर दिया गया है, और जब तक RT-PCR उनकी रिपोर्ट नहीं आएगी दे विल बी अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन। ये SOP है, वेरिएंट कोई भी हो, चाहे वो अल्फा, बीटा, डेल्टा, लैम्डा, ठीक है, और अब ओमिक्रॉन भी आ गया, कोई भी वेरिएंट हो, हमारी जो स्ट्रेटजी है, हमारी जो अप्रोच है वो वही है, जो मूल मंत्र है, जो फंडामेंटल से, वो चेंज नहीं होते। हमें मास्क पहनना है, वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, और उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करनी है। वही चीज़ें हैं, मैं बिना दोहराए आपके जरिए सभी से अपील करना चाहता हूँ कि SOPs का स्ट्रिक्टली पालन करें, बहुत आसान सी। चलिए, रऊफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सीनियर साथी हैं। रऊफ, बहुत बहुत शुक्रिया पांच के पंच में अपना समय देने के लिए। रऊफ, क्या जानकारी आप दे रहे हैं, क्योंकि चेहरे पर मास्क होना जरूरी है, कहीं दिखता है आपको, जैसा DC श्रीनगर कह रहे हैं कि लोगों को सावधानी सतर्कता बरतनी होगी, भारत में तीसरा केस ओमिक्रॉन वेरियंट का आ गया है, क्योंकि पहले भी जब पहली लहर और दूसरी लहर आई थी तो इसी तरीके से एक दो केसेस आए थे, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते हजारों फिर लाखों में पहुंच गए। रऊफ, बिल्कुल हरीश, देखिए आपने खुद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्रीनगर को सुना, वो कह रहे हैं कि ये वायरेंट ऑफ कंसर्न है, मतलब अब तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको भी एहतियात करने की बड़ी जरूरत है, और जो सरकार SOPs और गाइडलाइंस बनाती है उन पे अमल पैरा करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आप कागजों में लिख रहे हो कि हमने गाइडलाइंस मुरतब किए, मगर जमीनी सतह पे उनको फिर अमलाया नहीं जा रहा है। और दूसरा कि जो इंटरनेशनल ट्रेवलर्स के, देखिए बड़ा मामला ये है कि आप एयरपोर्ट पे जब आप बाजार तौर पर चेक करोगे तो तभी हम रोक सकते हैं जो भी इंटरनेशनल, जो भी वहां से इंटरनेशनल फ्लाइट से यहाँ पे सफर करके आएगा, इंटरनेशनल टूरिस्ट होगा या यहाँ के लोग जो कहीं मुल्कों में होंगे, उनके लिए अब कहा गया है कि उनका NT-PCR जो टेस्ट है वो लेना बड़ा जरूरी है, और जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आएंगी वो क्वारंटाइन रहेंगे, एयरपोर्ट पे रहेंगे या एयरपोर्ट से बाहर उनको किसी जगह रखा जाएगा, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा बाहर आने के। इसी तरह अगर नेशनल हाईवे की बात करें तो वहां पे भी यही चीजें अमलाने की जरूरत है, वहां पे भी सतर्क रहने की बड़ी जरूरत है, क्योंकि ये COVID-19 जो नया वेरिएंट आ रहा है ये कह रहा है कि बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है और खासकर बच्चों को अपनी लपेट में ले रहा है। डॉक्टर्स एसोसिएशन जो कश्मीर है, उनके जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर निसाल हुसैन, उन्होंने भी कहा कि अब 5 साल तक के बच्चों को भी वैक्सीन देना बड़ा जरूरी बन गया, क्योंकि वैक्सीन थोड़ी बहुत तो हम रोक सकते हैं। ठीक है रऊफ, लेकिन कहीं कहीं शिकायत मिल रही है रऊफ, श्रीनगर एयरपोर्ट पे शिकायत मिल रही थी कि उनको वो सुविधाएं तमाम नहीं मिल रही है जो विदेश से लोग आ रहे हैं, क्या ऐसी शिकायत आपके पास भी आई है, क्योंकि देश के तमाम राज्यों से ऐसी शिकायतें आ रही हैं। हम अभी महाराष्ट्र का भी जिक्र कर रहे थे उससे पहले जब हमारा पहले बुलेटिन था, लेकिन क्या श्रीनगर एयरपोर्ट से भी ऐसी शिकायत है कि जो लोग विदेश से आ रहे हैं उन्हें वो सहूलियत नहीं मिल रही है कि हाँ RT-PCR टेस्ट कराना है, क्वारंटीन के लिए किधर इधर उधर तो नहीं जाना है, वो और लोगों के संपर्क में तो नहीं आ रहे हैं, क्या प्रशासन पूरी निगरानी कर रहा है? देखिए इस तरह की खबरें अभी बाहर नहीं आ रही है, क्योंकि प्रशासन जिस तरह कह रही है, कल डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर ने भी यहाँ पे एक मीटिंग ली है, वहां पे एयरपोर्ट के हवाले से इंतजाम कल से बात की गई है, इस तरह की खबरें बाहर नहीं आ रही है कि वहां पे दिक्कत हो रही है जो भी फॉरेन ट्रेवलर वहां पे आ रहा है, मगर मैंने पहले ही कहा कि निगरानी हर एक चीज की होना बड़ा जरूरी है, अभी निगरानी पूरी तरह नहीं है, आप मीडिया के जरिए, आप अखबारों के जरिए या ऑडियोज के जरिए आप जो चीज लोगों तक पहुंचाना चाहते हो या बताना चाहते हो उस पर अमल करना बड़ा जरूरी है, अमल नहीं हो रहा है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लूपहोल जो है वो दिखाई दे रहा है, स्ट्रिक्टली एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल इसको फॉलो करना होगा रऊफ, कहीं ना कहीं आपको भी मुझे भी और पूरे सभी को करना होगा, क्योंकि हम तभी अपने परिवार और अपने देश को बचा पाएंगे। रऊफ बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के। फिलहाल